السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اسم مجلس نوراني کے اسٹیج محترم उलमाए किराम और फ्रेंड्स निजाम भाइयों बहनों और मुस्तमयन किराम अल्लाह सुबहन हुआ हमारे ये मजलिस को एक मुतबरक मजलिस की हैसियत में हमसे कबूल करें और जितने लोग हमारे ये प्रोग्राम में करीब आकर या दूर से हमारे ये प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं ऑनलाइन भी शिरकत करने वाले हैं लगता है कि ऑनलाइन में प्रोग्राम लाइव है माशाल्लाह मतलब पूरी दुनिया से पूरी दुनिया से लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं जितने लोग करीब से हो या दूर से हो हमारे ये प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह सुबहन अपने नेक बंदों में शामिल करे और तमाम के तमाम लोगों के जितने हलाल मकसद है वो तमाम हलाल मकसद और नेक तमन्नाए अल्लाह सुबहान पूरा करे और ये शहर है, हैज से लोग वापस आने लगे हैं केरला से फर्स्ट बैच में गए हुए लोग आज सुबह वापस सरजमीन केरला में वापस आ चुके हैं हम तमाम लोगों को बार बार मक्का मुकरमा में और मदीना मुनवरा में हज उमरा जियारत ये सब करने के तोफी रफीक का था फरमाया हमारे घरों में बैठी हुई हमारे बीवी बच्चे लोग भाई बहन लोग सबको अल्लाह सुबहानफियत तंदुरुस्ती और तमाम हरकत सकनात में इज्जत बरकत एफियत खुशी और अल्लाह की खुशनुदी सबसे अल्लाह सुबहान सब को नवाजे भारी शोरे ये भी एक माशा से क्लियर एविडेंस टी सुड प्रूफ वेन वी वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम अल्लाह सुबहान इज शवरिंग हिस्स ब्लेसिंग्स वेन वी मेक दुआ एट द टाइम ऑफ रेनिंग बारिश होते वक्त अगर दुआ की है तो हदीज शरीफ के मुताबिक है वो दुआ अल्लाह सुबहानता कबूल करने वाला है या अल्लाह इस मदरसा के और इस इदारा के सदक तुफेल से ये गाँव में ये शहर में हमारे ये इलाका में हमारे ये कर्नाटक के जो रियासत कर्नाटका है और हमारे पूरे हिंदुस्तान में या अल्लाह सुबहान तला से हमारे दुआ है या अल्लाह बरकत नाजिल फरमा और हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान है हिंदू लोग है ईसाई लोग हैं और बुद्धि लोग जैनी लोग मजहबी लोग तमाम के तमाम लोगों को मजहबी हम आहंगी के साथ भाईचारा के साथ हम हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा ये नारा लगा कर इतिहाद के साथ मुतहद मुत होकर ठाद हमें रहने के लिए तौफीक तो रफी का फरमा और जितने सियासत, सियासत हमारे हुक्मरान लोग चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे और कोई पार्टी का हो लेकिन जो हिंदुस्तान में इकतेदार पर है और रियासतों में इकतदार पर है जो भी हकम लोग हुक्मरान लोग हुक्मरानों को हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दस्तूर के मुकदमा में हिंदुस्तान एक सॉवरिन है सेक्युलर है सोशलिस्ट रिपब्लिक है तमाम मजहब वालों को सेम आजादी का हक है वो हक के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ने के तमाम हकीम लोगों को अल्लाह सुबह तोफी का अता फरमाए लोगों के दरमिया में फूट डालने के लिए कोई हरकत किसी के तरफ से न होने के लिए अल्लाह सुबहान तला सबको तोफी अता फरमाए अस्सलाम वालेकुम नहीं जोर से सलाम वापस करना आप अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह माशाल्लाह अब आपके सामने जो शख्सियत जलवा फ़रोश हुआ, हुआ है क्या नाम है शेख साहब बोलो जिंदाबाद शेख अबुबकर साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्ना माशा माशाराल। अब हजरात हैजरात, हैजरात, मैं आपके सामने ज्यादा लंबी छोड़ी बात करना नहीं चाहता हूँ वजह क्या है, है? शेख साहब तो इजाजत दिया है आप जितना चाहते हो उतना बात करो वो तो शेख साहब की मिजाज है कोई छोटा आदमी हो सामने अच्छा आप बोलो हम बैठेंगे सुनकर बैठेंगे ये शेख साहब की वो तहजीब कल्चर है बट वी हैव अनदर कल्चर लेकिन हमने क्या सीखे हैं हम सीखे हैं जब हमारे बुजुर्ग हजरात हमारे सामने हैं हम उसके सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए मुहद्दबाना अंदाज में वो अलमाए के राम के और के दुआ के लायक बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, बस वही तो बता के हम खत्म करते हैं अच्छा आप लोग तैयार हैं शेख साहब से सुनने के लिए तैयार है या नहीं तैयार अच्छा अब आपके सामने मैं एक सवाल आपके सामने पेश करूंगा सवाल के पहले एक और बात कहकर वो सवाल के तरफ मैं तवज्जो करूंगा सवाल से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं अंग्रेजी में एक कहावत है अंग्रेजी में एक कहावत है ओ कहावत ऐसा है इट इज नॉट फॉर जैकल्स टू स्पीक वर दी लायंस सुर इट इज नॉट फॉर जैकल्स टू स्पीक वर दी लायंस सुरॉर मतलब क्या है जहां शेर जहा मौजूद है वहां ये छोटे जानवर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए शेर अहलो सुन्ना जिंदाबाद शेर सुन्ना, शेर अहलो सुन्ना अल्लामा शेख बकर साहब सुन्ना कबिला माशालाब गौर से सुनिएगा ये एक और अंग्रेजी कहावत है जिसका खुलासा ये है डोंट ट्राई टू लाइट ए कैंडल वॉर सन शाइन्स डोंट ट्राई टू लाइट ए कैंडल वॉर द सन शाइन्स मतलब क्या है जहां सूरज चमक रही है उधर आप मोमबत्ती जलाने की कोशिश मत करो कहो ना सुबह अल्लाह माशा हमारे अलामा शेख बकर साहब किबला से सुनने वाले हैं हम है 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 शेख साहब को क्या नसीहत देनी है हमारे सामने इन शह हम मुंतजरीन इसलिए बहुत बहुत कम बोलकर मैं खत्म करता हूँ दुनिया में दुनिया में एक ऐसा मौलाना है वो पहले एक सीधा साधा मौलाना था मतलब पंद्रह साल मस्जिदों के दर्श में बैठकर काली दीनी तालीम हासिल किया पंद्रह साल से ज्यादा मस्जिदों के कोने पे बैठकर काली खाली दीनी तालीम हासिल किया और उसके बाद माशाल्लाह हमारे दीनी तालीम के बड़ी बड़ी किताबों को दर्श में बच्चों को तलबा को सिखाने लगे एक साल दस साल बीस साल पच्चीस साल पचास साल नहीं देखिएगा अभी तकरीबन पैसठ साल वही काम मुसलसल जारी रखा है जिसका नाम है जिसका नाम है जो जाना जाता जाना जाता है अल्लामा शेख अबू बकर साहब खिबला। और मजीद सुनिएगा वो जो मौलाना साहब सुनिए उन्होंने हमारे कौम के मिलत इस्लामिया की परेशानिया और मिल्ल इस्लामिया की कमिया और खामिया खुद अपने आंगों से गवाह हुआ हो उन्होंने सोचा या अल्लाह हमारी उम्मत उम्मत की ये पसमानदगी की कोई इलाज चाहिए देखो, देखो, देखो। दरसगा में पढ़ते वक्त अपने फिक्र अपने ख्याल मरकूज किया उन्होंने एक ही बात पर या अल्लाह मेरी उम्मत की ये बुरी हालत से मेरी उम्मत को उठाने के लिए और मेरी उम्मत को एक ता, एक तरक्की याफ्ता उम्मत बनाने के लिए क्या करना है दौराने दरसगा और ये तालीम देते वक्त उन्होंने सोचा और आखिर उसके नतीजा ये निकला क्या नतीजा निकला वो शख्सियत ने सोचा बगैर तालीम और से सुनो बगैर तालीम ये उम्मत को बिल्कुल ये खाली ये उम्मत की नहीं कोई भी उम्मत को बगैर तालीम तरक्की याफ्ता उम्मत नहीं बना सकता है उस इसलिए वो शख्सियत ने दर्स के साथ मदरसा इंजीनियरिंग कॉलेज लॉ कॉलेज मेडिकल कॉलेज इंटरनेशनल स्कूल वगैरह वगैरह मतलब एक सौ से ज्यादा इदारा बनाया सुबह अल्लाह वो शख्सियत का नाम में बोलो ना वो शख्सियत का नाम क्या है अल्लामा शेख अबू बक्कर साहब खबिला अल्लामा शेख अबू बकर साहब खबिला ने सुबहान अल्लाह जामिया मरकजाफी सुन्निया नाम के इदारा कायम किया उन्नीस सौ अठहत्तर में हमारे अच्छा अतगर सतगर सकाफी साहब सुबह अल्लाह उन्होंने अपने अपने वेलकम स्पीच में एक नुक्ते के तरफ इशारा किया केरला उस सरजमीन है जिस सरजमीन में हद नबूत में इस्लाम कबूल करने का बरकत हासिल किया है सुबह अल्लाह देखो वो आहद नबी से इस्लाम वो इस्लाम आने का और कबूल करने का बरकत होने के बावजूद वहां बाद में किया हुआ मुसलमानों की पसमानदगी की हालत हो गई और शेख साहब ने सोचा इसके लिए एक हल निकालनी है और शेख साहब ने ये इदारा कायम किया शुरू में खाली पच्चीस यतीम बच्चों के पालने के लिए एक यतीम खाना था आप देखो तकरीबन पैतालीस साल हुआ जो जामिया मरकज़ मरकजाफी सुनिया सरजमीन कालीकड़ के आस पास कारंदूर नाम में उस इलाका में है अब इसकी मेन कैंपस में सुनो गौर से सुनिएगा ओ पच्चीस यतीम बच्चों के लिए एक यतीम खाना से शुरू हुआ इदारा आज मेन कैंपस में बीस हजार से ज्यादा तलबा पढ़ने वाला एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया है और देखिए वो जामिया मरकज सकाफती सुनिया के मेन कैंपस से 10-15 किलोमीटर दूर पे अब शेखुना ने एक शहर बनाया है शहर का नाम है नॉलेज सिटी ओ नॉलेज सिटी में अल्लाह मेडिकल कॉलेज है लॉ कॉलेज है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के और और हमारे और यूनानी इलाज के लिए मरकज बनाए हैं इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ से सुबह अल्लाह साई कडोम वकील लोग हाई कोर्टों में सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में प्रैक्टिस करने वाले बड़े बड़े वकील लोग भी वहाँ से फारिग हुए हैं सुबह है। अल्लाह शेख साहब और मैं मजीद कहना चाहता हूँ शेख साहब ने ता ये ता सब ये क्यों किया है? किया है हमारे सामने दिखे दिखे मैं देख रहा हूँ पुलिस ऑफिसर लोग भी है पुलिस ऑफिसरों के साथ मैं मेरा ख्याल शायद ऐसा एक गलत फहमी होगा इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ ये मौलाना लोग हमारे पुरोहित लोग जो है ये उलमा लोग जो लो है इसको दुनिया के साथ दे हैव नो रिलेशनशिप एंड नो कनेक्शन विथ दिस वर्ल्ड ये उलमा को पुरोहितों को इस दुनिया के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मेडिकल कॉलेज दे कैनोट थिंक अबाउट मेडिकल कॉलेज दे हैव नो आइडिया अबाउट लो कॉलेज दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस वर्ल्ड मैं बस ये मेरा गलत फहमी भी हो सकता है लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ देखिए ये हजरत अल्लामा शेख अबू बकर साहब कबिला सबसे पहले सोचा दुनिया में हमारे मजहब इस्लाम हर किस दहशत गर्दी का ही नहीं सिखाया और किसी को दहशत गर्द बनाने के लिए नहीं गया और दहशत गर्दी के खिलाफ एर टेररिज्म के खिलाफ एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ने वाला एक मजहब इस्लाम लेकिन बदकिस्मती ये है चंद मुसलमान नामदार मुसलमान केवल नामदार मुसलमान सही है कि वो लोग दहशत गर्द हो गए हैं। वो तो हिंदू लोगों में भी चंद लोग ऐसे हैं, ईसाई लोगों में भी चंद लोग दहशत गर्द है मुसलमानों के दरमिया में भी चंद लोगे। लेकिन इसलाम टू डू लोग है लेकिन इस्लाम हैज दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट लोग दहशत गर्द इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है शेख साहब ने सोचा अल्लाह सुबहानता अल्ला ने हमें सिखाया है कि आप तरक्की चाहते हैं तो तालीम हासिल करो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों मिलकर आप हासिल करना चाहिए तब तो आपको आगे बढ़ सकता है वही शेख साहब हमारे सामने तशरीफ लाए हैं, जलवा है। लेकिन देखिए अब अस्सी साल से ज्यादा उम्र वाला शेख साहब अस्सी साल से ज्यादा उम्र है लेकिन पूरी हिंदुस्तान वो घूम रहे है वहाँ के तालीमी मरकज बनाने के लिए सबसे पहले शेख साहब ने गया कहा सुनिएगा आप लोग सबसे पहले शेख साहब ने गया जब आज हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चीफ मिनिस्टर था गुजरात में माशाल्लाह शेख साहब ने मोदी जी के पास गुजरात में गया और गुजरात के मुख्तलिफ मकाम पर माशाल्लाह स्कूल और मदरसा बनाया शेख साहब के तरफ से बनाए हुए मदरसा और स्कूल दोनों साथ काम कर रहे हैं अभी भी गुजरात में कोई भी एतराज या ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ये दहशत गर्दी सिखाने वाला अड्डा है ऐसा बिल्कुल इल्जाम भी नहीं है देर इज नो एलिगेशन ऑल फ्रॉम एनी साइड कोई भी ये इल्जाम अभी तक कायद नहीं किया है वजह क्या है शेख साहब हैज नो कनेक्शन विद अलकायदा शेख साहब साथ हम लोग बारी अक्सरियत मुसलमान निन्यानवे फीसद मुसलमान वो लोग सब ये दहशत गर्दी को मरफूज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं जो अहल सुन्ना अकीदा के जो अकीदा है ओ, राइज करने वाले हैं निन्यानबे फीसद मुसलमान दैट्स व्हाई वी नथिंग टू डू विथ एक्सट्रीमिज्म और विथ टेररिज्म हम लोग ऐसे कोई दहशत के जिम्मेदार भी नहीं है हमारे साथ उनके उन लोगों के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक भी नहीं है ऐसे दहशत इस्लाम से दूर जा रहे है ये हमेशा हम जोर देकर कह रहे हैं देखिए शिक्षा भी ने फिर सोचा और कहा मदरसा बनाना है और गुजरात में शुरू करने के बाद बंगाल में गया यूपी में गया झारखंड गया उत्तराखंड गया मध्य प्रदेश गया और तमाम तकरीबन हिंदुस्तान के हर रियासतों में माशाल्लाह मदरसा में कुरान पढ़ने वाला तलबा अगर आप एक लड़के को बुलाकर

पूरी दुनिया के लिए दुआ है खास मुसलमानों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए या अल्लाह मर्सी बरसाओ आप अल्लाह की बख्शिश होने के लिए दुआ कर रहे उसके बाद वो लड़का से आप पूछो व्हाट इज योर नेम ही नेम इन इंग्लिश एंड हु आर योर फ्रेंड्स ही विल से दैट आई फ्रेंड्स सम ऑफ द मार हिंदू सम ऑफ द मार क्रिश्चियस सम ऑफ द मार बुद्धिस्ट एंड इवन आई है टोल देखिए शेख साहब ने ऐसा मद्रसा और ऐसा स्कूल पूरी हिंदुस्तान में बनाया अब देखिए देखिए साइकडम इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इंजीनियरिंग कॉलेज है लॉ कॉलेज है ये नाच इज मैसे आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम दी लो कॉलेज एस्टेब्लिश बाई शेख साहब शेख साहब ने जो लो कॉलेज बनाया वहाँ से फारिग हुआ हूँ मैं खुद और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ अब देखिए शावनूर नाम के इस शहर में देखिए शेख साहब के तलबा है ये देखो माशाला हमारे मुस्तफा नेमी साहब शेख सकाफी साहब शेख साहब के हजारा हजारों में ये एक तौलिब है उन्होंने शेख साहब से इजाजत मांगा मैं सावन और जाता हूँ वहाँ एक मदरसा मैंने अभी मुस्तफा साहब से पूछा सबसे पहले इधर कौन सी बिल्डिंग बनाया उन्होंने बोला एक हिंदू भाई ने आपने बिल्डिंग किराया में दिया खाली छह महीने के लिए किराया मैं दिया था लेकिन बाद में आ, तीन साल तक को किराया के बिल्डिंग में उन्होंने मदरसा और स्कूल बनाया आज आप हजरात गवाह है बैठे। आज आप लोग गवाह है माशा इधर क्या तालीम हो रहा है इधर बिल्कुल दहशत गर्दी की या एक्सट्रीमिज्म की कोई पढ़ाई नहीं है हम तमाम के तमाम लोगों के साथ मतलब हम हम हिंदुस्तान के शहरी लोग हैं हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा और जैसा कि हमारे स्कूल में हमारे तलबा प्रदितिया लेता है इंडिया इज माय कंट्री ऑल इंडियन आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओनली मुस्लिम आर माय ब्रदर्स और सिस्टर्स नहीं या ओनली हिंदू आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देखिए ये तालीम हम राइज कर रहे हैं इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जैसा कि हमारे मरहूम उमर मरहूम उमर, पसोट तंगल नाम से जाना जो तंगल साहब तंगल साहब ने संगे बुनियाद रखा और ये लोगों के एक खाब था शेख साहब शेख साहब इधर आके हमारे लोगों को थोड़ा नसीहत फरमाए लेकिन अब मैंने सुना चार साल से ये ख्वाब बरकरार रखा इंतजार किया आज शेख साहब हमारे सामने अफरोश अफरो मैं गुजारिश करता हूँ मैं खत्म करता हूँ और गुजारिश ये मेरा अपील ये है ये हमारे इदारा जो है मोन सुन्ना हवेरी इस मदरसा के लिए आप हजरात के तरफ से वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज नीडेड योर हेल्प इज नीडेड दे आर सीकिंग योर हेल्प ये जो इदारा चलाने वाले मौलाना लोग और दीगर लोग आप लोगों के मदद मांग रहे हैं क्योंकि अपने अहलो अयाल के नहीं, नहीं अपने लिए कमाने के लिए नहीं लेकिन ऐसे मदरसा और स्कूल बनाना चाहिए तब के लिए तब तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान की हैसियत में महफूज रहेगा इसलिए ये हमारे सबके जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को सपोर्ट करना ये इदारा, इदारा के लिए जितने हेल्प कर सकता है मदद कर सकता है मेरा गुजारिश है आप लोग करके दीजिए वल्लाहु फलकुम अल्लाह तआला हम तमाम लोगों को हमारे हिंदुस्तान को महफूज रखे मेरा भारत महान جاي هند وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته